और मैंने भी ये अपडेट पढ़ा था कि बच्चे, तीन बच्चे जो है वो फारूक नगर टेका नाका से चोरी हो गए, लेकिन वो चोरी नहीं हुए थे, वो कुछ और ही हो गए थे। आइए सुनते आगे। नहीं रियाज भाई, एक मैटर ऐसा हुआ है कि अभी दो दिन पहले जो है इतवारा में भी एक बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। अच्छा। हुई थी बच्चे की किडनैपिंग इतवारा रेलवे स्टेशन से, एक घंटे में पुलिस ने चोर को बरामद किया। और कल भी एक वाक्य हुआ, उसकी डिटेल अब्दुल भाई देंगे। तो ऐसा दो किडनैपिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। जैसे मैंने कहा कि हम स्पॉट पर है जहां तीन बच्चों की जाने चले गई और पूरा दुख जो है लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, मातम छाया हुआ है इस फारूक नगर टेका नाका नागपुर में। मैं आपको जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये लगातार कंटिन्यू ये लोग मेहनत कर रहे हैं। NNTV जो है, शहजाद भाई, अब्दुल भाई, ये लगातार अपडेट दे रहे थे, लाइव भी चलाया गया। और जितनी मीडिया की तरफ से मदद करनी थी पुलिस और प्रशासन की और इन बच्चियों के परिजनों के लिए जितनी मदद करनी थी, NNTV के चीफ एडिटर शहजाद भाई से बात करते हैं। सबसे पहले शहजाद भाई, क्या मामला है? कल 12 बजे से बच्चे गायब हुए थे, और वो कब मिले, कैसे मिले, किस कंडीशन में मिले, क्योंकि आप पल पल की खबर दे रहे थे। देखिए रियाज भाई, मामला ऐसा है कि कल दिन में 12 से 2:30 बजे के बीच में जी बच्चों के गार्जियन को ये पता चला कि बच्चे गुम हो गए हैं जी। तो उन्होंने कंप्लेंट डाले, तो नॉर्मली पुलिस एक नॉर्मल कंप्लेंट लेती है, लेकिन उसके बाद में भी पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से काम शुरू किया। उसके बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो फिर लोग भी जुड़ते गए, फिर हमें भी पता चला। हम लोग भी कामपी में एक न्यूज़ कवर करने गए थे अब्दुल सर के साथ में, तो वहाँ से हम लोग तुरंत न्यूज़ छोड़ के वापस आए और फिर यहाँ लाइव वीडियो किए और फिर पूरी जानकारी लेके बच्चों को यहाँ के जो प्रॉपर जो लोग हैं, जैसे एक भाई है, ये क्या नाम है आपका, वो दाढ़ी वाले थे, मतलब यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं ना, बहुत मतलब साथ में जुड़ गए सब। अच्छा। और लगातार उन लोगों के साथ में अब्दुल भाई और वो एक राका वाले, क्या नाम है उनका, सूफी टाइगर करके है, पूरी रात। तो मैं, अब्दुल भाई, सूफी टाइगर और यहाँ के कुछ लोग, हम लोग सुबह 6 बजे आज अपने घर गए। अच्छा। पूरी रात सर्च किया, लेकिन गलती सिर्फ इतनी हो गई कि एक मिसाल है बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा, तो वो थोड़ी सी गलती हमारे से हो गई। अब ये भी हो सकता है कि अल्लाह की मसलियत थी, तो जो कार थी वो यहीं थी। कितने फीट पे खड़ी होगी कार यहाँ से? मुश्किल से 25 फीट। अच्छा। 25 से 30 फीट घर से। बच्चे उसी में थे और आप पूरा जो मोहल्ला है, पूरा शहर जो है वो इधर उधर ढूंढ रहे। पुलिस वालों ने बस्ती की ऐसी कोई गली नहीं थी जहाँ नहीं छोड़े हो सर्च करना। मतलब अपनी लाइफ में मैंने पुलिस वालों को इतना मुस्तैद पहली बार देखा किसी मैटर में। लगातार पुलिस वालों ने हमारी टीम के साथ में सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन बहुत बड़ी गलती। बच्चे मिले कितने बजे, कैसे पता चला? बच्चे क्या हुआ, जब पूरा नागपुर शहर अगल बगल छान मारे, बच्चे नहीं मिले, तो पुलिस प्रशासन ने एक फैसला लिया कि जो नजदीक के घर है, आप एक एक घर में जाके इंडिविजुअल चेक किया जाए। अच्छा। एक बड़ा बच्चों को ये एक बड़ा फैसला था। तो पूरा पीछे की लाइन से एक एक घर चेक करते हुए आए। मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। आपने इससे पहले सुना होगा कि जाफरनगर या कई जगहों पर जो बच्चे चोरी होने की अफवाहें जो चल रही थी, शायद वही इनके मन में था कि कहीं बच्चे चोरी तो नहीं हो गए। और मैंने भी ये अपडेट पढ़ा था कि बच्चे, तीन बच्चे जो है वो फारूक नगर टेका नाका से चोरी हो गए, लेकिन वो चोरी नहीं हुए थे, वो कुछ और ही हो गए थे। आइए सुनते आगे। नहीं रियाज भाई, एक मैटर ऐसा हुआ है कि अभी दो दिन पहले जो है इतवारा में भी एक बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। अच्छा। हुई थी बच्चे की किडनैपिंग इतवारा रेलवे स्टेशन से, एक घंटे में पुलिस ने चोर को बरामद किया। और कल भी एक वाक्य हुआ, उसकी डिटेल अब्दुल भाई देंगे। तो ऐसा दो किडनैपिंग ऑलरेडी, तो बच्चे जो, तीनों बच्चे जो मिले वो मरी हुई हालत में थे या कुछ? देखिए जब एक एक घर जब चेक कर रहे थे, तो जहाँ इको स्पोर्ट्स खड़ी थी उसके पास में जब वो घर का नंबर आया, तो जब पुलिस प्रशासन और अब्दुल भाई थे वहाँ, तो इन लोगों को स्मेल आई वहाँ घर में जाने के पहले, स्मेल आई तो इनको डाउट हुआ कार में। तो इसके पहले रात में भी इन्होंने वो कार चेक कर रहे थे, लेकिन ब्लैक फिल्म थी और सीट पर कुछ। अच्छा, उसको फिल्म लगी हुई थी कि अंदर से बच्चे भी नहीं दिख पाएंगे या बाहर से कोई देख नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ होगा, जब कल दोपहर में बच्चे खेलने, छुपनी छुपानी के हिसाब से गाड़ी का डोर अनलॉक था, ये भी एक बात है, बच्चे अंदर घुसे और दरवाज़ा बंद हो गया होगा, उसके बाद में भी बाहर से अनलॉक था। लेकिन चार साल और 6 साल इतने छोटे से बच्चों से लॉक नहीं खुला। और इको स्पोर्ट्स की जो सेटिंग है, जो इको स्पोर्ट्स चलाते हैं उनको पता है उसकी जो डीप है वो ज़्यादा है मिडिल। शहजाद भाई, बहुत सारे लोग हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, और TNN 24 न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, उससे पहले अब्दुल भाई से बात कर लेते हैं। अब्दुल भाई, क्या जानते हैं इस मामले में, क्या आप, ये कैसे मामला है, क्या है, क्या इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सर, नज़रिया तो हम बहुत से नज़रिए से, कल रात से जो हम सर्च ऑपरेशन कर रहे थे पुलिस की टीम के साथ में, शहजाद सर, मैं और राष्ट्रवादी के जो सूफी टाइगर है और यहाँ के स्थानीय जो फारूक नगर के लोग हैं, कोई बाइक से दौड़ रहा है, कोई कार से दौड़ रहा है, जिससे जैसा बना सब ने मेहनत की है। रात भर हम लोग 7 बजे तक देखते रहे,
उसके बाद में हम दो घंटे के लिए घर गए तो पता चला कि यहाँ पर भी डॉग स्कॉट आया है। फिर हम यहाँ पर आए, डॉग स्कॉट ऊपर गया है, ऊपर आने के बाद में ऊपर नीचे सब करे, ऊपर पानी की टंकियाँ भी है, पानी की टंकियों को भी देखा गया पुलिस वालों के माध्यम से, तो वहाँ पर भी कुछ नजर नहीं आया। यहाँ तक कि जब हम लोग रात में हमारी जब टीम निकली थी तो हमने जो आधे ढक्कन गटर के खुले नजर आ रहे थे तो हमने बैटरी की टॉर्च लगा के वो ढक्कन हटा के ऐसा सोच ऐसा आया समझ पाए कि भाई कहीं टाके में तो नहीं गिर गए बच्चे इस तरह से, क्योंकि बहुत सी जगह होता है कि गटर के ढक्कन खुले होते हैं। वो हालत क्या होगी जब वो बच्चे, तीनों बच्चों की बॉडी दिखी, उस वक्त परिजनों का क्या हाल थे? सर इसका तो मैं बयान नहीं कर सकता वो मंजर देखकर, क्योंकि जिस वक्त मैं कार के पास में था और थोड़ा सा गेट खुलने के बाद में जब अधिकारी ने वहाँ पर गेट खोला तो मैंने उसमें से देख लिया था बच्चे सीट के ऊपर नहीं थे, जहाँ पर हम लोग पैर लटका के बैठे रहते हैं बच्चे नीचे गिरे हुए थे। तो आप लगाइए कि वो मंजर कितना भयंकर होगा और वो बच्चों की कितनी बुरी तड़प होगी कि बच्चे तड़प के अपना दम तोड़ दिए। बच्चे एक ही घर के थे? भाई एक भाई का एक बेटा था, एक बेटी थी और एक भाई का एक बेटी और बेटा है, एक 4 साल का, एक 6 साल का और एक 7 साल का, ऐसे मिला के 3 बच्चे थे सर। आइए, उर्दू सफ़र के चीफ एडिटर भी हमारे साथ हैं, हम पत्रकारों के इंटरव्यू इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पत्रकारों ने उतनी अपनी भूमिका को निभाया। पुलिस प्रशासन और पत्रकार बदनाम होते हैं लेकिन देख रहे हैं ना कि रात का वक्त है और यहाँ वो टीम मौजूद है पत्रकारों की जो अपनी भूमिका को वाकई में ईमानदारी से निभाते हैं। समीर साहब, क्या क्या समझते हैं इस मंजर को, क्या कहना चाहिए? बहुत ही दर्दनाक है क्योंकि एक ही घर के दो बच्चे हैं और बिल्कुल मासूम है एक छः। आपकी लाइफ में पहली घटना है या इससे पहले कभी हुआ है? नहीं, घटनाएं तो हमने बहुत देखी है लेकिन इस तरह की घटना जो है, जैसे इसके पहले भी एक घटना हो चुकी है। गडकरी साहब का आपको याद होगा, जब गडकरी साहब के बंगले में उनके कार में एक उनकी पड़ोस की बच्ची जो है कि मृत पाई गई थी, वो भी कार लॉक थी। तो ऐसी तो घटना हुई है बट वो चीज़ अलग थी, ये चीज़ अलग है क्योंकि ये रास्ता काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है, चहल पहल वाला है और बिल्कुल मस्जिद के बैक साइड वाला है, तो किसी की नज़र न जाना उस गाड़ी पर और किसी को ख्याल न आना कि ये गाड़ी में भी हो सकता है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। मेरा आखिरी सवाल शहजाद भाई, जो पेरेंट्स, जो माँ बाप लापरवाह होते हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इस टॉपिक पर अभी जो हमारी दोस्तों से हमारे अहमद रजा साहब, बाबर भाई भी अभी आए थे, तो क्या होता है कि उनको, वो तो एक ही समाज को टारगेट कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है मुस्लिम समाज में बच्चों को छोड़ देते हैं, दो दो तीन तीन घंटे बच्चे घर में नहीं आते। सभी समाज के लोगों का यही हाल है। मैं उनकी बात बता रहा हूँ, तो मैंने उनको यही बोला कि भाई जब बस्ती में बच्चे खेलते हैं और कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते नहीं है तो माँ बाप बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आज की बात में, थोड़े थोड़े देर में कम से कम एटलीस्ट मम्मी अगर घर में रहती है, जैसा पापा जो फादर है वो बाहर जाते हैं, या अगर फादर कमाने वाले नहीं है मम्मी कमाने वाले, जो भी घर में गार्जियन रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चों पर 10 मिनट आधे घंटे में वॉच करना चाहिए कि भैया बच्चा हमारा कहाँ है, पहले खेलने दो उसको, दो चार घंटे, साइंस भी बोलता है, बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं खेलकूद बहुत ज़रूरी है, तो खेलने दो लेकिन वॉच रखो हमारे बच्चे सेफ है कि नहीं, ये भी एक घटना होती है। दूसरा है कि ये अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है भाई, आजकल ऐसा हो गया कि बच्चों को पकड़ कर बहुत सारे गलत काम भी हो रहे हैं, तो अपने बच्चों पर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो नज़र रखना हमारा फ़र्ज़ है। गार्जियन बोलते इसी को है ना कि भाई पालक, पालने वाला, ऐसा नहीं कि सिर्फ खिलाने वाला, भाई आपको पूरी तरह से उन पर नज़र रखना है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ खेल रहा है, खेल रहा है तो कहाँ खेल रहा है अपनी नज़र के सामने उसको, ऐसा नहीं ग्राउंड में छोड़ दो, 4 साल 5 साल के बच्चे हैं तो थोड़ा सा नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। NN TV के चीफ एडिटर, तरफदार पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, समीर भाई, शहजाद भाई और अब्दुल भाई, इन्होंने हमको पूरी जानकारी दिया है और जानकारी वो दिया है वाकई में हैरतअंगेज करने वाली, वो बातें हमें बताई गई है जो हम फिल्मों में देखते हैं, उसी तरह से आज की ये घटना जो है बड़ी दुखदायक है। मैं देख रहा हूँ लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई है, किसी की आंखों में आंसू है और ये दर्द भरा आज का जो लम्हा हम आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर दिखा रहा है, वाकई में हम भी खुद इनके दुख में शामिल है क्योंकि ये घटनाएँ बहुत ही विचित्र घटना है और वो तीन मासूम बच्चे जो इस दुनिया में थे अब वो नहीं रहे, तो आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि जिम्मेदारी माँ बाप की ही नहीं होती है, हम सब की जिम्मेदारी होती है बच्चों का ध्यान रखने की। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।